हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज द 17th of January 2024 एंड वी आर हियर विद द एडिटोरियल स्टोरीज। सो टुडे वी हैव टू न्यू स्टोरीज, हिस्टोरिक हियरिंग ऑन द प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द हाग ऑन इजराइल। ओके, दिस इज अबाउट द हियरिंग दैट्स गोइंग ऑन इन ICJ। ऑलराइट, साउथ अफ्रीका हैज ब्रॉट इजराइल टू कोर्ट टू ICJ about what's going on in Gaza. Now, next one is vote for continuity on Taiwan's presidential elections. So the voting has taken place recently, and they have voted for continuity. Means whatever the situation is, it should continue. The status quo seems to suit Taiwan best in its relationship with China. Status quo means the situation as it is, to continue the situation. Status quo seems to suit Taiwan best. Status quo Taiwan ko best suit karta hai in its relationship with China. Relationship jo China ke saath hai, isme jo chal raha hai, chalne do, kuch change mat lao. Status quo seems to suit Taiwan best. To chaliye, let's read this first story. Historic hearing. On the preliminary hearing, जो शुरुआती हियरिंग है एट द हाग ऑन इजराइल पे, उसी पर है ये। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ए प्रोविजनल ऑर्डर बाय ICJ, जो प्रोविजनल ऑर्डर, एक प्रोविजनल ऑर्डर बाय ICJ ऑन इजराइल विल कास्ट शैडो, उंगली उठा देगा, परछाई डाल देगा, शैडो कास्ट कर देगा ऑन लेजिटिमेसी, उसके न्याय संगतता पे, ऑफ इट्स वॉर, इसके जो वॉर के न्याय संगतता है, लेजिटिमेसी, उस पर उंगली उठा देगा अगर एक कोई भी प्रोविजनल ऑर्डर जो आएगा इसराइल के पास। चलिए देखते हैं। Whatever the outcome of the preliminary hearing, whatever the outcome of the preliminary hearing at the International Court of Justice at The Hague, चाहे जो भी हो outcome result preliminary hearing का, ठीक है? South Africa's case against Israel's ongoing military campaign in Gaza has garnered global attention. South Africa का जो case है Israel के खिलाफ, जो उसके चल रहे मिलिट्री कैंपेन जो गाजा में चल रहा है उसके खिलाफ, हैज गार्नर्ड ग्लोबल अटेंशन, ग्लोबल अटेंशन लेके आया है। इफ इफ समथिंग गार्नर्स अटेंशन, तो अटेंशन अट्रैक्ट करता है। इफ समथिंग गार्नर्स सपोर्ट, वो सपोर्ट यू नो अट्रैक्ट करता है। हैज गार्नर्ड ग्लोबल अटेंशन, ये जो केस है ना, इसने ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया है इन अ वे। इस तरीके से नो प्रोसीडिंग एट दिस एलीट इंटर स्टेट फोरम मे हैव डन बिफोर, जिस तरीके से किसी भी प्रोसीडिंग ने पहले नहीं किया होगा, इस तरीके से अटेंशन अट्रैक्ट किया है, पूरी दुनिया इस केस में इंटरेस्ट ले रही है। एज द 15 मेंबर कोर्ट असेंबल्ड, इस कोर्ट में 15 मेंबर हैं, ठीक है, वो 15 मेंबर के कोर्ट असेंबल हुआ, मतलब आए सब लोग मिले, अलोंग विद टू एडहॉक जजेस, साथ इसके साथ दो एडहॉक जजेस भी आए। एडहॉक मतलब सिर्फ इस केस में, बाकी ये जजेस वहां का हिस्सा नहीं है, ठीक है। एडहॉक मतलब होता है फॉर दिस सिचुएशन ओनली, ये एक लैटिन फ्रेज है एडहॉक, इसको इंग्लिश में यूज करते हैं। अलोंग विद टू एडहॉक जजेस, जो जजेस हमेशा हिस्सा नहीं है ICJ के, इस केस के लिए हिस्सा बने, रिप्रेजेंटिंग साउथ अफ्रीका एंड इसराइल, जो साउथ अफ्रीका और इसराइल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। क्वाइट अ बिट ऑफ हिस्ट्री मस्ट हैव वेड ऑन द पार्टीज, काफी हिस्ट्री भी उन लोगों का दिमाग पे, उन लोगों के दिमाग पे होगी। वे ऑन द पार्टीज, वे ऑन एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है। अगर बाय द वे आप कोई फाइट में जाएं, बॉक्सिंग रिंग में जाएं और आपकी कोई इंजरी हो जाए, आप उसे रिकवर करके वापस दूसरे मैच में खेलने जाते हैं, तो आप अपनी इंजरी के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते रहते हैं, दैट इंजरी वेज ऑन यू, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वे ऑन। क्वाइट अ बिट ऑफ हिस्ट्री मस्ट हैव वेड ऑन द पार्टीज, जो इतिहास रहा ना उन दोनों के दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। ऑफ द टू कंट्रीज on either side of this dispute over whether the Gaza war is aimed at wiping out the people, one has left behind its apartheid past. Of the two countries on either side of this dispute, ye jo dispute hai, kis cheez pe hai dispute, ki Gaza ka jo war hai wo logon ko genocide ke bare mein hai ki nahi, wiping out the people matlab genocide, right? To kya isme genocide ho raha hai ki nahi, is dispute ke do side mein jo do log hain, do countries hain, theek hai, ek hai keh raha ha genocide ho raha hai, dusra keh raha genocide nahi ho raha,
ऑफ द टू कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ दिस डिस्प्यूट. विच डिस्प्यूट? दिस डिस्प्यूट ओवर वेदर द गाजा वॉर इज एम्ड एट वाइपिंग आउट द पीपल. डिस्प्यूट क्या है? कि गाजा वॉर जो है वो जेनोसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही है डिस्प्यूट ना. तो ऑन आइदर साइड ऑफ दिस डिस्प्यूट द टू कंट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज वन हैज लेफ्ट बिहाइंड इट्स अपार्थाइड पास्ट. एक ने पीछे छोड़ा है अपने अपार्थाइड पास्ट को. अपार्थाइड पास्ट किसको कहते हैं? ये साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, ब्लैक लोगों को अलग रखा जा रहा था, उसी को अपार्थाइड कहते हैं. वो कंडीशन था जिसमें एक तरह के लोगों को अलग रखा जा रहा था, ब्लैक लोगों को अलग रखा जा रहा था. उनका स्कूल अलग था, हर चीज अलग थी, उनको वो सुविधाएं और राइट्स नहीं थे जो गोरे लोगों को थी, तो उसी को अपार्थाइड कहते हैं. तो साउथ अफ्रीका ने अपने अपार्थाइड पास्ट को पीछे छोड़ दिया है, बट बिलीव्स, लेकिन मानता है दैट द अदर इज प्रैक्टिसिंग 75 years ऑफ अपार्थाइड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल सिंस 1948. उसने उसमें एक कंट्री ने अपना अपार्थाइड पास्ट पीछे छोड़ा है, और साथ ही लेकिन ये मानता है कि दूसरा जो है 75 सालों से अपार्थाइड प्रैक्टिस कर रहा है पैलेस्टीनियन पीपल के खिलाफ 1947 से. वन फर्म इन इट्स बिलीफ, एक तो पूरी तरह से एकदम स्ट्रांग है अपने मान्यता में, बिलीफ में, दैट इट इज एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, कि ये काम कर रहा है जस्टिस और ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में, यानी जस्टिस और ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, न्याय और मानवता के लिए काम कर रहा है. द अदर इक्वली फर्म, दूसरा भी उतना ही स्ट्रांग है, इक्वली फर्म है इन इट्स बिलीफ, अपने बिलीफ में, इट कैन नेवर बी अक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड, कि इसको कभी भी जेनोसाइड का अक्यूज नहीं किया जा सकता, इन पे जेनोसाइड का एक्यूजेशन नहीं डाला जा सकता. एक क्राइम, जेनोसाइड के बारे में कॉमा दे करके एक्सप्लेन कर रहा है जेनोसाइड क्या है. एक क्राइम दैट वाज सॉट टू बी प्रिवेंटेड, एक क्राइम है जेनोसाइड जिसको रोकने की कोशिश की गई, दैट वाज सॉट टू बी प्रिवेंटेड. सीक टू डू समथिंग मतलब होता है कोशिश करना, कुछ करने का, तो सीक का पास्ट टेंस सॉट. ए क्राइम दैट वाज सॉट, यहां V3 माना जाए क्योंकि पैसिव वॉइस में है. ए क्राइम दैट वाज सॉट टू बी प्रिवेंटेड, जिसको कोशिश की गई रोकने की बाय द जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948. 1947 का जेनोसाइड कन्वेंशन बना करके जेनोसाइड के क्राइम को रोकने की कोशिश की गई. ए ट्रीटी, ये 1947 वाली जो जेनोसाइड कन्वेंशन थी, एक ट्रीटी थी टू प्रिवेंट, रोकने की, द सॉर्ट ऑफ हॉलोकास्ट द ज्यूइश पीपल हैड सफर्ड. जिस तरह का हॉलोकास्ट ज्यूइश पीपल लोगों को सफर करना पड़ा था, उस तरह के चीजों को रोकने के लिए जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 बनी थी. ठीक है, उसके हिसाब से जेनोसाइड एक क्राइम है, राइट? और इसराइल मानता है कि इस पे एक्यूजेशन नहीं डाला जा सकता जेनोसाइड का. और दूसरा जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, वो मान के चल रहा है कि वो जस्टिस और ह्यूमैनिटी के साथ है. बोथ कंट्रीज स्पेंट मेनी ईयर्स इन द लास्ट सेंचुरी इन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन. ये सिंपल सेंटेंसेस है. बोथ कंट्रीज स्पेंट मेनी ईयर्स, दोनों ने कई साल बिताए इन द लास्ट सेंचुरी, पिछले सदी में, इन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, जहां पर उनको आइसोलेशन में रखा गया, यानी अलग रखा गया, उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं रखी गई, उनसे ज्यादा लेना देना नहीं रखा गया. अगर आप आइसोलेशन में हो तो अकेले हो, ठीक है. एज कंट्रीज एंड स्पोर्टिंग बॉडीज बॉयकॉटेड देम, क्योंकि बहुत सारे देशों ने और स्पोर्टिंग बॉडीज ने, जैसे फीफा ने, जैसे ओलंपिक के ऑर्गेनाइजेशन ने, बॉडी ने, उनको बाइकॉट किया था. बट बोथ हैड द सपोर्ट ऑफ देयर वेस्टर्न एलाइज, लेकिन दोनों को सपोर्ट था अपने वेस्टर्न एलाइज का, वेस्टर्न द कंट्रीज का. टुडे, आज, सेव फॉर दोज फ्यू एलाइज, उनमें से कुछ, उन कुछ एलाइज को छोड़ के, यहाँ सेव मतलब एक्सेप्ट, टुडे एक्सेप्ट फॉर दोज फ्यू एलाइज द एंटायर वर्ल्ड सपोर्ट्स अ सीज फायर इन गाजा. द होल वर्ल्ड सपोर्ट्स अ सीज फायर इन गाजा. उन कुछ कंट्रीज को छोड़ के पूरी दुनिया चाहती है कि सीज फायर हो गाजा में, उसी चीज को सपोर्ट करती है. टू एंड द एपिक सफरिंग ऑफ इट्स पीपल, ताकि वहां के लोगों का ये जो लगातार सफरिंग है उसको रोका जा सके. टू एंड द एपिक सफरिंग ऑफ इट्स पीपल. एपिक एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, ऐसे एपिक को आप नाउन जानते हो, एपिक मतलब कोई महाकाव्य, ठीक है, जैसे रामायण महाभारत टाइप का. लेकिन जब कोई चीज एपिक को आप एडजेक्टिव के तौर पे डिस्क्राइब करते हो, जैसे एपिक सफरिंग, एन एपिक जर्नी, एन एपिक मैच, और एपिक गेम, तो आप कहते हो कि काफी लंबा चला है और उसमें काफी चीजें हुई हैं, ठीक है. द एपिक सफरिंग ऑफ इट्स पीपल एट दिस प्रिलिमिनरी स्टेज, अभी शुरुआती स्टेज पे, साउथ अफ्रीका सॉट टू डेमोन्स्ट्रेट, साउथ अफ्रीका ने कोशिश की दिखाने की, ठीक
यानी साबित कर कोशिश की, सॉट टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना होता है राइट, एंड सॉट टू डेमोन्स्ट्रेट मैंने अभी बताया था, सीक टू डू समथिंग मतलब कुछ करने की कोशिश करना। साउथ अफ्रीका सॉट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सम ऑफ इजराइल्स एक्ट्स, इसराइल के कुछ एक्ट्स जो हैं वो आर केपेबल ऑफ फॉलिंग विद इन द टर्म्स ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन, उनके कुछ काम जो थे, यहाँ काम मतलब कुछ जो युद्ध में जो चीजें उन्होंने की हैं, सम ऑफ इजराइल्स एक्ट्स वर केपेबल ऑफ फॉलिंग विद इन द टर्म्स ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन, जेनोसाइड कन्वेंशन का जो टर्म्स है उसी में आते हैं, यानी वहां जो टर्म्स बनाया गया जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 का, कि ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते, उसी में आते हैं, एंड दैट देयर वॉज जेनोसाइडल इंटेंट, और ये भी कोशिश की दिखाने की दैट देयर वॉज जेनोसाइडल इंटेंट बिहाइंड इट्स एक्ट्स, कि इनके पीछे ऐसा नहीं कि गलती से हुई है जो चीजें हुई, जेनोसाइडल इंटेंट भी था, यानी कि लोगों को मारने की मारने का इरादा भी था उन एक्ट्स के भी पीछे। इट रिलाइड ऑन डेटा ऑन डेथ्स, और ये जेनोसाइडल इंटेंट को साबित करने के लिए इट रिलाइड ऑन डेटा ऑन डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और डेथ का जो डेटा है वो साफ दिखाया कि देखो इतना डेथ हुआ है इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, एंड द कोलैप्स ऑफ सिविलियन लाइफ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन गाजा, और गाजा में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन लाइफ का जो कोलैप्स हो गया है, वहां अगर इंसान बीमार पड़ रहा है, चोटें लग रही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा उनका, और सिविलियन लाइफ बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, कुछ काम धाम कुछ नहीं, स्कूल कुछ नहीं, पूरी तरह से सिविलियन लाइफ कोलैप्स कर गया है, इन चीजों को सामने रखा, रिलाइड ऑन दीज थिंग्स मतलब इसी को आधार बना करके बताया कि जेनोसाइडल इंटेंट है। इट ड्रू अपॉन स्टेटमेंट, साथ ही साथ क्या किया, उन स्टेटमेंट्स को भी यूज किया, ड्रू अपॉन, इफ यू ड्रॉ अपॉन समथिंग ना उसको यूज करते हैं कुछ करने के लिए, इट ड्रू अपॉन स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स को भी यूज किया, एट्रीब्यूटेड टू की इजरायली गवर्नमेंट, जो कि किससे रिलेटेड थे वो स्टेटमेंट्स, किससे रिलेटेड थे, की इजरायली गवर्नमेंट फिगर से रिलेटेड थे, जो इम्पोर्टेंट इजरायली गवर्नमेंट फिगर्स ने जो स्टेटमेंट दिए थे, बिगाड़ने की बात कही थी, गाजा को मिटा देने की बात कही थी, उन स्टेटमेंट्स को भी उन्होंने यूज किया बताने के लिए, टू अंडरस्कोर हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, टू अंडरस्कोर, अंडरस्कोर करते हैं किसी चीज को लिखे हुए में लाइन नीचे खींचते हैं, क्या चाहते हैं आप कि एक बात पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, टू अंडरस्कोर व्हाट इट कॉल्ड जेनोसाइडल इंटेंट, उस बात को दिखाने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स भी सामने रखे, ताकि पता चले कि देखो इसीलिए हम कह रहे हैं ये क्या है, जेनोसाइडल इंटेंट है। द प्रोविजनल मेजर्स, जो प्रोविजनल मेजर्स हैं सॉट, प्रोविजनल मेजर्स जो अभी सॉट, द प्रोविजनल मेजर्स सॉट, यहाँ सॉट विच वर सॉट, यहाँ पर दो वर्ड छुटा हुआ है, अगर छुटा हुआ मतलब छुपा हुआ है बोलना चाहिए, विच वर सॉट, एक हिंदी लर्नर जो हिंदी स्पीकर है ना उसका दिमाग बेहतर समझेगा अगर मैं यहाँ विच वर बोल दूँ, द प्रोविजनल मेजर्स विच वर सॉट, वो प्रिलिमिनरी मेजर्स जिनकी उम्मीद की गई, जिनको कहा गया कि आप दीजिए, ठीक है ना, देखिए अगर आप किसी चीज को सीक करते हैं तो आप वो चीज डिमांड करते हैं, आप वो चीज चाहते हैं, आप वो चीज मांगते हैं, ओके, सीक जस्टिस यानी कि जस्टिस की तलाश करना, जस्टिस मांगना, ठीक है, जस्टिस का डिमांड करना, तो द प्रोविजनल मेजर्स दैट वर सॉट, जो प्रोविजनल मेजर्स मांगा गया उसमें इंक्लूड क्या था, ए सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, क्या क्या मांगा गया भाई, कि भाई क्या करना चाहिए आपको, कोर्ट को क्या कहना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए मिलिट्री ऑपरेशंस को, कहना चाहिए कि कुछ नहीं वहां कर सकते, कोई वॉर नहीं होगा, सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, एंड स्टेप्स बाय द पार्टीज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ जेनोसाइड, और स्टेप्स लेने चाहिए जो दोनों पार्टीज के तरफ से जो प्रिवेंट करे अकरेंस ऑफ जेनोसाइड, जो जेनोसाइड को रोकथाम हो जाए कि जो लोग ना मरे। इसराइल डिस्क्राइब द साउथ अफ्रीकन केस एज ब्लड लाइबल, इसराइल ने साउथ अफ्रीका के केस को ब्लड लाइबल कहा बिफोर द हियरिंग, हियरिंग के पहले, ब्लड लाइबल, लाइबल होता है कोई ऐसी राइटिंग या कोई ऐसी स्पीच जो झूठ से भरी हो, जिसमें किसी को बुरा दिखाने की कोशिश की गई हो, तो साउथ अफ्रीका के केस में इसराइल को बुरा दिखाने की कोशिश की गई, तो वो कह रहा है कि ब्लड लाइबल आपका जो केस है वो ब्लड लाइबल यानी झूठ का पुलिंदा है, बट सॉट टू मेक अ केस, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की एक पॉइंट साबित करने की, सॉट मतलब ट्राइड, ओके, मैंने पहले कहा सीक टू डू समथिंग मतलब कोशिश करना कुछ करने का, सॉट टू मेक अ केस, दे सॉट टू मेक अ केस, उन्होंने कोशिश की एक केस बताने की यानी कि पॉइंट साबित करने की, दैट इट्स गाजा ऑपरेशंस वर अ लेजिटिमेट रिस्पॉन्स, कि उनका जो गाजा गाजा का ऑपरेशन है वो बिल्कुल सही रिस्पॉन्स था टू द टेररिस्ट अटैक, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना उसके लिए सही रिएक्शन था, ऑन अक्टूबर 7 लास्ट ईयर, जो 7 ऑफ अक्टूबर को जो हुआ था उसके लिए बिल्कुल सही रिएक्शन था ये।
इट प्ले डाउन द रेलेवेंस ऑफ इट्स लीडर्स स्टेटमेंट्स, और इसके जो लीडर्स के स्टेटमेंट्स का रेलेवेंस को प्ले डाउन कर दिया। प्ले डाउन करना मतलब होता है कम करके बताना, कम करके आंकना, किसी चीज को वैल्यू को कम करके दिखाना। मान झगड़ा होता है दो लोगों के बीच, तो जब आपकी गलती बताई जाती है तो आप कहते हैं तो वो कौन सा बड़ा बात हो गया, यानी आप अपनी गलती को प्ले डाउन कर देते हैं। ठीक है, कहते हो कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो पुलिस को आपने पैसे खिला दिए, तो आपने सिर फाड़ दिया अगले का मार के, और पुलिस को पैसे खिला दिए, तो सामने वाला जब बोलता है मेरा सिर फटा, तो पुलिस को कहते हैं सिर तो फटता ही है, कौन सा बड़ा चीज है, लड़ाई में सिर नहीं फटता, चलो हटाओ बात को। तो कहने का मतलब प्ले डाउन कर रहा है उस इंजरी को, राइट। तो प्ले डाउन करने का मतलब किसी चीज को का वैल्यू कम कर देना, इंपॉर्टेंस कम कर देना। ठीक है, तो इट प्ले डाउन द रेलेवेंस ऑफ इट्स लीडर्स स्टेटमेंट्स, चूंकि लीडर्स के स्टेटमेंट्स को वहां दिखाया गया कि देखो आपके लीडर्स ने ये कहा, आपके ये लीडर्स ने ये कहा, तो इसराइल ने प्ले डाउन करने की कोशिश की उन स्टेटमेंट्स के रेलेवेंस को, कह रहा ही नहीं ये सब बोलने का कोई वैल्यू नहीं है, कॉलिंग देम मियर रिटोरिक, उनको सिर्फ कहा रहे ये सब तो सिर्फ रिटोरिक था। रिटोरिक मतलब होता है कोई ऐसा लाइन, कोई ऐसी बात जो आप बोलते हैं लोगों का सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उसमें कुछ रियलिटी, कुछ जेन्युइन नहीं होता, कुछ सिंसियर स्टेटमेंट नहीं होता, उसको रिटोरिक कहते हैं। पॉलिटिशियंस अक्सर रिटोरिक्स देते रहते हैं अपने स्पीचेस में, कुछ ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि सुनने वाले बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ होना जाना नहीं होता उससे। तो उन्होंने कहा कि अरे वो सब तो रिटोरिक्स थे, उसका क्या रिलेवेंस है, क्यों आप उसको यूज कर रहे हो बताने के लिए कि हमारा जेनोसाइड का इंटेंट था, ऐसा कुछ नहीं है। इट एट्रीब्यूटेड द सिविलियन कैजुअलिटीज टू हमास यूजिंग सिविलियंस एज शील्ड्स, इन्होंने कहा, जो इसराइल ने कहा, इसराइल ने एट्रीब्यूट किया, फिर से बताता हूं, एट्रीब्यूट करना, आप किसी भी घटना को एट्रीब्यूट कर दें किसी और पे, तो कहते हैं उसकी वजह से हुआ, उसका लेना देना इस चीज से, किसी चीज को आप एट्रीब्यूट कर देंगे किसी और चीज से तो उसका कनेक्शन बताएंगे। देखिए यहां पर कैसे यूज हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, इट एट्रीब्यूटेड, इट मतलब इसराइल, इसराइल एट्रीब्यूटेड द सिविलियन कैजुअलिटीज टू हमास, इसराइल ने सिविलियन कैजुअलिटीज को हमास से एट्रीब्यूट कर दिया, कहा कि हमास की वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है। तो जब आप किसी चीज को एट्रीब्यूट करते हैं किसी के साथ, तो कहते हैं उसके वजह से ये चीज है। ठीक है, जैसे आपका सक्सेस, आप बाद में बोलो कि मेरा सक्सेस जो है ना मेरे टीचर्स और मेरे मम्मी पापा की वजह से है, तो आप कहेंगे आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स। तो आपने अपने सक्सेस को रिलेट कर दिया अपने मम्मी पापा और टीचर्स से, इसका मतलब आप कह रहे हैं उनकी वजह से है ये। ठीक है, जैसे यहाँ इसराइल ने कहा इसराइल एट्रीब्यूटेड द सिविलियन कैजुअलिटीज टू हमास यूजिंग सिविलियंस एज शील्ड्स, ने कहा देखो हमास ने यूज किया सिविलियंस को शील्ड्स के तौर पर, कवच के तौर पर, रक्षा करने के लिए, जिसकी वजह से वो सिविलियंस मरे। एंड हॉस्पिटल्स एज स्टोरेज फॉर एक्सप्लोसिव एंड लॉन्चिंग पैड्स फॉर अटैक्स, और हॉस्पिटल्स को यूज किया एक्सप्लोसिव के स्टोरेज के लिए एंड लॉन्चिंग पैड के लिए अटैक के, इसलिए हमें हॉस्पिटल पे गिराना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल्स भी बर्बाद किए गए हैं वॉर में, और उसको दिखाया जा रहा है कि वो उनका जेनोसाइडल इंटेंट है कि वो हॉस्पिटल को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल अगर बर्बाद हो जाएंगे तो लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जेनोसाइडल इंटेंट साबित करने के लिए इसको यूज किया गया। तो उन्होंने कहा कि हमने हॉस्पिटल्स पे बम इसलिए गिराए क्योंकि वहां स्टोरेज किया जा रहा था एक्सप्लोसिव्स का, और उसको लॉन्चिंग पैड्स के तौर पे यूज किया जा रहा था अटैक्स के लिए। द इश्यू बिफोर द कोर्ट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो स्ट्रेट केस है सामने कोर्ट के वो बिल्कुल सीधा है, बट द लार्जर कंसर्न इज वेदर इसराइल विल अबाइड बाई एनी प्रोविजनल मेजर, लेकिन बड़ा कंसर्न ये है कि क्या इसराइल किसी प्रोविजनल मेजर को मानेगा, अबाइड बाई करेगा, अबाइड बाई समथिंग मतलब किसी चीज को मानना। रशिया इग्नोर्ड एन आईसीजे ऑर्डर टू सस्पेंड इट्स मिलिट ऑपरेशंस इन यूक्रेन, रशिया ने तो इग्नोर कर दिया था आईसीजे का ऑर्डर, अपने ऑपरेशंस को यूक्रेन में जो सस्पेंड करने का ऑपरेशन को सस्पेंड करने का जो आईसीजे का ऑर्डर आया था उसको इग्नोर कर दिया था, मार्च 2022 में आया था। हाउएवर, हालांकि देर इज लिटिल डाउट, बिल्कुल शक नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है, लिटिल डाउट जब लिखा रहे तो ऐसे कहना चाहिए, बिल्कुल संदेह नहीं है, देर इज लिटिल डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट एनी प्रोविजनल मेजर, कि कोई भी प्रोविजनल मेजर विल कास्ट ए शैडो, बिल्कुल उंगली उठा देगा ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ इसराइल गाजा वॉर, इसराइल के गाजा वॉर पे के लेजिटिमेसी पे उंगली उठा देगा कि जो आप कर रहे हैं वो तर्कसंगत न्याय संगत नहीं है। जैसे ही उधर से कोई भी मेजर आया, प्रोविजनल मेजर आया, प्रोविजनल मेजर मतलब जब भी वो कुछ कहेंगे आईसीजे वाले कहेंगे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे गलत हो रहा है,
तो इन सब चीजों से क्या होगा, इसराइल के गाजा वॉर के लेजिटिमेसी पे उंगली उठेगी, ये बात में कोई शक नहीं है, माने चाहे ना माने इसराइल, वो बात की चीज। तो ये था आज का एडिटोरियल, फिर कल के एडिटोरियल के साथ आएंगे आपके सामने। अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आपको ये यूजफुल लग रहा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल स्टोरी। थैंक यू, बाय बाय।